नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि FTIA के जो ऑडिशन होते हैं उसकी तैयारी कैसे करें, वो क्लियर कैसे करें, क्योंकि मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है मेरे सब्सक्राइबर्स में, जिनका सिलेक्शन हुआ है एक्टिंग से, उनका रिटर्न तो क्लियर हो जाता है, रिटर्न क्लियर करने के बाद जब ऑडिशन देते हैं तो ऑडिशन से बाहर हो जाते हैं। ये मैंने कॉमन चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, मैंने बहुत बच्चों में देखा है कि ऑडिशन से बाहर हो गए। देखिए, उनका सभी का कॉमन पॉइंट मैंने सभी में देखा है कि उन्होंने ऑडिशन की या फिर उनको एक्टिंग इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, कहीं से थिएटर एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा नहीं था, तो इस चक्कर में ज़्यादा बाहर हुए हैं। तो अगर आप एक्टिंग से हो तो भाई ये गलती कभी मत करो। आप सिर्फ रिटर्न एग्जाम पे फोकस करते हो, रिटर्न एग्जाम क्लियर भी हो जाता है, लेकिन फिर ऑडिशन का क्या होता है? तो इसलिए ऑडिशन की तैयारी अच्छे से करो। ऑडिशन अगर क्लियर होगा तभी आपको फाइनल एडमिशन के ज्यादा चांसेस मिलते हैं, क्योंकि इंटरव्यू ओरिएंटेशन तो देखिए सभी का बराबर, लगभग लगभग इतने ही मार्क्स आते हैं, कोई ज्यादा मार्क्स नहीं आते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता भी नहीं इंटरव्यू ओरिएंटेशन में, तो वहां पे तो लगभग सभी को, जैसे किसी को 10 नंबर मिले तो किसी को 9 मिलेंगे, किसी को 8 मिलेंगे, 1-2 नंबर का फर्क होता है। लेकिन जो असली काम होता है वो होता है ऑडिशन के टाइम। ऑडिशन अगर आपका अच्छा जाता है तो वहां पे आप मार्जिन ले सकते हो, क्योंकि वहां ऑडिशन तो भाई कोई जो उनके जो ऑब्जर्वेशन जो प्रोफेसर है वो देखते हैं, तो वहां वो उनके हिसाब से नंबर देते हैं। तो वहां क्या है कि वहां आप थोड़ा सा ज्यादा मार्क लेके आ सकते हो, और उसके बाद फिर ज्यादा मार्क्स कहाँ से लेके आ सकते हो? रिटर्न एग्जाम से। रिटर्न एग्जाम में भी अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको वहां से भी एडमिशन मिलने के ज्यादा चांसेस है। आप अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपका फाइनल एडमिशन होगा, क्योंकि तीनों के मार्क्स जुड़ते हैं। और भाई अगर आपको, जैसे आप छोटे शहर से हो, अगर आपके शहर में कोई इतना अच्छा एक्टिंग स्कूल ये नहीं है, तो आप कोई छोटा मोटा थिएटर ज्वाइन कर लो, या थिएटर ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर यूट्यूब से सीख लो। यूट्यूब पे ना डेली बहुत सारे ऑडिशन के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे आपको, तो उनका देख देख कर आप अपनी ऑडिशन की जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हो। तो ये अभी कर सकते हो अगर आपका रिटर्न एग्जाम आप श्योर हो कि मेरा निकल जाएगा इजीली। और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर।